पहले पार्ट में यशपाल कमेटी की बात की थी जो हायर एजुकेशन पर थी। दो यशपाल कमेटी हैं, याद रखना है, ईयर से याद रख सकते हैं या फिर उसके लेवल से। अगर हायर एजुकेशन की बात है तो वो 2009 वाली यशपाल कमेटी है, अगर स्कूल लेवल की है तो वो है 1992 की कमेटी। अच्छा, यहाँ पर ईयर ऐसे टेबल को इस तरफ की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1992-93 लिखा है, इट मींस जब कमेटी बैठी थी, ओके, मार्च 1, 1992, तो जुलाई 15, 1993 जब उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई, ठीक, तो दैट इज वाई दोनों ईयर भी पूछे जा सकते हैं। कभी 92 भी लिखा हो सकता है, 93 भी लिखा हो सकता है, दोनों भी लिखे हो सकते हैं। उसका मीनिंग ये होना चाहिए, लास्ट वाला ईयर जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। अच्छा, तो अब कमेटी का नाम क्या था जो 92 या 93 वाली थी? नेशनल एडवाइजरी कमेटी, चेयरमैन यशपाल कमेटी उनके नाम से जानी जाती है। रिपोर्ट का नाम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क इन इवन एंट्रेंस टेस्ट में, टेट में, येट में, यूजीसी नेट में, लर्निंग विदाउट बर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, किस ने जमा करवाई, और उसका ऑप्शन हमेशा या किस कमीशन की है ना, तो ऑप्शन है यशपाल कमेटी 93। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर बात करनी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव समझ गए तो हम फीचर समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है टू एडवाइज ऑन द वे एंड मींस टू रिड्यूस, अंडरलाइन मैं करूंगा रिड्यूस शब्द को, कि रिड्यूस ये इतना कॉमन वर्ड है, वो हायर एजुकेशन में भी बात की है, लाइटनिंग द बर्डन, और यहाँ भी, तो यहाँ तो लर्निंग विदाउट बर्डन उसका रिपोर्ट का नाम ही रखा है। रिड्यूस द लोड ऑफ स्कूल स्टूडेंट, दूसरा है स्कूल स्टूडेंट की बात है, ना कि अभी यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। एट ऑल लेवल, ये भी बात है। अच्छा, अब लोड कितनी तरह का हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ। नंबर एक, ग्रेविटेशनल लोड, मैकेनिकल लोड, कॉम्प्रीहेंशियल लोड। ग्रेविटेशनल लोड क्या है? जो बैग है, बैग का वेट कितना है, जो मसल्स ने उठाना है, बच्चे के मसल ने उठाना है, शोल्डर है ना स्ट्रांग चाहिए, तो वो दिल्ली में एक सर्वे हुआ था जब ये कमेटी बैठी थी, उस वक्त के प्राइमरी जो क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस के बैग को का वेट किया गया सब, और उनकी एवरेज निकाली गई, ये देखा गया कि 4 kg एवरेज वेट है, तो ये वेट की बात ग्रेविटेशनल की हो रही है। दूसरा एक बोझ होता है जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको मैंने यहाँ लर्निंग लिखा है, आप लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट मैटर, है ना। तो जैसे यहाँ पर इमेज भी दिखा दूँ आपको साथ में, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ये रहा, कहाँ गए भाई ये। अब बच्चे के आप दो तरह के बोझ है, एक तो ये बोझ है, ये जो बैग पर उठाया गया है, ये 5 kg, 6 kg, 7 kg है, मसल चाहिए इसके लिए। दूसरा है ये जो बोझ यहाँ पर है, माइंड में है, दिमाग में है, वो बोझ क्या है कि आज मैथ की क्लास लगी लेकिन ये टॉपिक, ये पार्ट, ये समझ नहीं आया, समझ कम आया, समझ डाउट्स हैं अभी तक, तो ये बोझ बनता है कि एग्जाम आ रहे हैं, याद कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है, है ना, तो वहाँ मैं भूल तो नहीं जाऊँगी, तो ये वाले बोझ, मैथ्स है, साइंस है, हर सब्जेक्ट का जो समझ नहीं पाया, जो लर्निंग नहीं हो पाई, उसका बोझ है। अब ये कॉम्प्रिहेंशियल बोझ है, तो कमेटी ने जोर क्या इस पर दिया है, या इस पर दिया है, या दोनों पर दिया है, या इक्वली दिया है? आंसर ये है कि कमेटी ने, यशपाल कमेटी ने वो जो इम्पोर्टेंस दी है, जो वो लर्निंग वाले बोझ को दी है, कि लर्निंग वाला बोझ जो वो कम करना होगा, उसको कम करने के लिए बेशक सिलेबस टेक्स्ट बुक में कट शॉर्ट करेंगे, 30% कम कर देंगे, है ना, तो इससे भी ज़्यादा होगा कि ये बच्चे की लर्निंग जो है
उसे अब क्लास में समझ नहीं आ रहा, कम आ रहा है, डाउट ज्यादा है, वो लर्निंग बेटर हो जाए उसके लिए न्यू मेथड्स सजेस्ट करेगी ये कमेटी, जो पैराडाइम शिफ्ट है एक ट्रांसमिशन अप्रोच से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एक पैसिव अप्रोच से एक एक्टिव अप्रोच, एक इंडिविजुअल अप्रोच से एक ग्रुप अप्रोच की तरफ बढ़ना, और टीचर को ट्रांसमीटर की जगह पर फैसिलिटेटर बना देना, ऐसी बातें ये सजेस्ट करेगी ताकि ये बोझ कम हो जाए। बोझ ही कम ना हो, बाद में ये बच्चा इसके साथ में लर्निंग प्लस एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ओके एंजॉय भी हो, तो ये नेचुरली जो टेट और एंट्रेंस टेस्ट बीएड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि इसको उन्होंने वेटेज नहीं दी, वो कहेंगे आगे जाके कि जो बैग उठाना, इतना भार लाना, इतनी बुक्स लाना कंपलसरी नहीं होगा, बच्चे को कंपल नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें भी होंगी। लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इस कमेटी का वो क्या है, वो है कि कॉम्प्रिहेंशन लर्निंग वाला लोड जो है वो कम करना है, इसको कम इम्पोर्टेंस है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे है, पर्टिकुलरली टू यंग स्टूडेंट्स वाइल इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ये रहा मेन पॉइंट है ना, इंक्लूडिंग कैपेबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एंड स्किल फॉर्मेशन, ये सारे ऑप्शन आगे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो ये राइट होंगे, करेक्ट होंगे, इनको आपको नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, दिखा देता हूँ हायर एजुकेशन में, जो पिछली वीडियो में नहीं दिखा पाया था, लाइटेंड द लोड, ये हायर एजुकेशन की बात की है, इट मीन्स कि बोझ को कम करना, लेकिन मेंटल बोझ को ज़्यादा कम करना ज़रूरी है। फिजिकल बोझ तो बच्चों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतना भार जैसे सोल्जर उठा सकते हैं बच्चे क्यों नहीं उठा सकते, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम मोबाइल ओरिएंटेड वो बन गए हैं जो फिजिकल गेम है वो, चलो यहाँ बात नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट है कि ये कमेटी की रिपोर्ट, ये सेटअप की गई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD की तरफ से, ओके, नेशनल एडवाइजरी कमेटी बात हो चुकी है, और इसको जो इसके आइडियाज़ कहाँ से कलेक्ट किए गए, यशपाल जी चेयरमैन थे, ये भी बात हो चुकी है, आइडियाज़ कहाँ से कलेक्ट किए गए, तो फीडबैक लोगों से मानी जाती है, स्टेक होल्डर से मांगी जाती है, तो वो सजेशन जो थे आइडियाज़, वो सजेशन कहाँ से आए, सजेशन कलेक्ट किए गए स्टेक होल्डर्स के से। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्कूल के स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, स्कूल आपने लिख लिया, स्टेक होल्डर लिख लिया, ये वर्ड बार बार आ सकता है, नंबर एक टीचर है ना, हेड, नंबर दो स्टूडेंट्स, ओके पेरेंट्स, ओके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, बुक राइटर से व्यू मांगे गए, मीडिया से, एजुकेशनिस्ट से, करिकुलम डिज़ाइनर से, टेक्स्ट बुक डिज़ाइनर से, इनसे सभी व्यू मांगे गए, लगभग 600 के करीब ये जो थे मेमोरेंडम पहुंचे, और उनको एनालाइज करके ये रिपोर्ट सजेशन जो थे तैयार की गई। अच्छा, इसका सेकंड चैप्टर है, सभी चैप्टर यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, सेकंड चैप्टर है द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम, उसको समझ आ गया तो आपको रिकमेंडेशन जो सजेशन इन्होंने दिए थे वो इजी समझ आ जाएंगे। वो कहते थे कि अभी जो चल रही है इंडिया की जब रिपोर्ट लिखी गई कि जॉयलेस है लर्निंग है ना, तो ये सजेशन क्या बन जाएगा, जॉय फुल बनाई जाए, सिंपल। टेक्स्ट बुक एज ए ट्रुथ है ना, वो कहेंगे उसको ट्रुथ ना माना जाए, बच्चा उसको इवेलुएट करे, एनालाइज करे, इवेलुएट करे, एनालाइज करे, अपने एक्सपीरियंस से कंपेयर करे, एविडेंस ढूंढे, उस पर रिसर्च भी पढ़े, तो ये इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकर बनाने हैं हमने, ना कि बुक रीडर बनाने हैं। जो गाइड्स हैं, नाम नहीं चलो लेना चाहता, हेल्प बुक जिसको बोल देते हैं, बने बनाए आंसर जहां आते हैं, रेडीमेड मटेरियल है, बढ़िया बढ़िया बना, उनको फॉलो करना, उनको रिजेक्ट किया जाएगा, तो वो चल रही थी। रेपिटिशन है, बार बार दोहरा के उसको मेमोराइज करना है, ये मेमोराइजेशन आ गई। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग की कमी थी है ना। एक्सकर्शन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं दी जा रही उनको,
एब्स्ट्रैक्ट पर जोर दिया जा रहा है, जैसे मैथ है तो उसको कंक्रीट के साथ, ऑडियो विजुअल एड या किसी गेम के साथ उसके रिलेट करके नहीं पढ़ाया जाता। तो ये उन्होंने पाए कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं प्रॉब्लम की ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दो तो वो रिकमेंडेशन बन जाएंगी। इतनी बात है। टाइमलाइन, एक वीडियो आएगा टाइमलाइन जिसमें किस किस कमीशन ने, किस कमेटी ने और किस पॉलिसी ने लर्निंग को एकेडमिक बर्डन की बात की है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिकमेंडेशन है, मेजर क्या है, फर्स्ट है वर्नैकुलर, वर्नैकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस प्राइमरी में स्टेज में देनी है। वर्नैकुलर लैंग्वेज कौन सी है, जो नेटिव लैंग्वेज है जिसमें बच्चे इनफॉर्मली बातचीत करते हैं, उनको टीचिंग लर्निंग का, ये मदर टंग की ही बात है। तो ये मदर टंग को मेरे ख्याल में हर कमीशन और पॉलिसी ने सुजेस्ट किया है। अच्छा, इंडिविजुअल वर्क से उन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप वर्क, दो बच्चे मिलके पढ़े, तीन बच्चे मिलके पढ़े, तो ये ग्रुप वर्क कोऑपरेटिव लर्निंग पर जोर दिया। टेक्स्ट बुक, बच्चा घर से आएगा लेके आएगा, बोझ को उठाना, तो वो कहते हैं स्कूल प्रॉपर्टी बना दो, स्कूल बुक्स जो हैं वो स्कूल में ही रहेगी, बच्चा घर ले जाएगा वापस ले जाएगा, ऐसे मत हो। नो होमवर्क फॉर प्राइमरी एज, छोटे बच्चों को तो होमवर्क देना ही नहीं, पक्का मना कर दिया है ना। तो इवन हायर क्लासेस को नॉन टेक्सचुअल होमवर्क देना है, वो क्या होगा कि बुक में से नहीं करना, बुक को रिजेक्ट कर दिया, उसको बच्चे को एक्सपीरियंस है ना, घर में देख के आओगे कॉकरोच कब बाहर निकलता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, छिपकली क्या करती है, कुछ साइंस के ऐसे हो सकते हैं। एक्टिविटी ओरिएंटेड, अच्छा ये मैंने आज ये नाउन पढ़ाया है, आप अपने जब बात करते हो उसमें से तीन एग्जांपल ढूंढ के लानी है, मम्मा ने जो जो बोला उनमें से जो जो बोला उसमें से तीन एग्जांपल, पांच एग्जांपल ढूंढनी है ना। तो ऐसे मतलब होमवर्क ऐसा होना चाहिए कि ये फाइंड आउट करना है, ये सर्च करना है। नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रेशियो कितनी है, 130 की सुजेस्ट की है मिनिमम और मैक्सिमम 140 तक, एक टीचर के पीछे 30 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। लॉन्च शिक्षा दर्शन, गुड, ये गुड पॉइंट है, येलो वाले आपने देखने हैं, बाकी बेशक लाइक कृषि दर्शन, शिक्षा दर्शन क्या है, टेलीविजन है, बच्चे की जो कृषि दर्शन है, जो किसान है अपने डाउट्स पूछते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही बच्चा घर बैठे टेलीविजन प्रोग्राम हो और बच्चा इंटरेक्ट कर सके और अपनी प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम अपना कंटेंट लर्न कर सके, प्रॉब्लम डाउट क्लियर कर सके। स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन, जो बीएड करवानी है, स्पेशलाइज्ड बीएड आगे चल के बात भी आएगी है ना, ईटीटी बीएड एमएड, इनके प्रोग्राम को थोड़ा एक्टिव ओरिएंटेड और कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड बनाया जाए। एग्जामिनेशन तो उन्होंने कहा कि 10th और 10+2 के बंद ही कर दो बेशक भैया है ना, वो अगर लेने भी है, करना भी है, एग्जाम लेना भी है, तो वो कंसेप्ट बेस्ड हो जहाँ वो क्विज लाइक हो, ये इनके सुजेशन थे। तो एग्जामिनेशन को लगभग इन्होंने रिजेक्ट ही किया है, बोर्ड के एग्जाम को। द पर्पज़ ऑफ फ्रेमिंग, करिकुलम जो है बनना है या टेक्स्ट बुक राइटिंग है, यहाँ पर पॉइंट है करिकुलम और टेक्स्ट बुक, वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है, कर दिया है जाने का सुजेशन था। डिसेंट्रलाइजेशन, पहले ये मान लीजिए हायरार्की है, इसको पहले हटाते हैं, यहाँ पर करते हैं और ये यहाँ जाते हैं है ना, ये मान लीजिए यहाँ पर ये हायरार्की है, यहाँ पर ये बना रहा है, कौन बना रहा है करिकुलम, ये टॉप वाला बंदा बना रहा है ना, टॉप वाले बंदे को यहाँ जो ग्रास रूट पर स्टूडेंट है क्या उसकी पूरी नॉलेज है, यहाँ स्टूडेंट आ गए कलर बदल लें, ये कलर बदल हो गया, और यहाँ पर उनको टीच करने के लिए टीचर आ गया, उसके ऊपर हेड HOD आ गए है ना, HOD या हेड आ गए, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है ना, ऐसे DEO आ गया, CEO आ गया, ऐसे ऐसे है ना हायरार्की बनी हुई। तो वो कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ये सेंट्रलाइजेशन है अगर ये जाने इन्वॉल्व है, ये नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन में हायरार्की में जो लोअर लेवल के हैं उनको शामिल किया जाए, पर्टिकुलरली उसमें टीचर्स जो टीच कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए है ना, स्टूडेंट्स और HOD को इंक्लूड किया जा सकता है, ये बात उन्होंने की है। टेक्स्ट बुक भी वो है टीचर लिखे हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको शामिल किया जाए, कोई चैप्टर एक लिख सकता है। नेक्स्ट है
एजुकेशन कमेटी शुड बी कंसिडर्ड ऑन, अच्छा एजुकेशन कमेटी होनी चाहिए विलेज, डिसेंट्रलाइज्ड है ये भी, जैसे वो हायरार्की बनाई थी ना यहाँ पर, वैसे ही इसकी बनेगी, सेम है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज आ गए है ना, ये आ गया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर लिख दो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज, तो ऊपर जो है मेट्रो बड़ी सिटी आ गई, तो यहाँ पर कमेटी इन लेवल पर बने ताकि वो लोकल लेवल को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है जरिस्डिक्शन ऑफ सीबीएसई, इंपॉर्टेंट बड़ी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कहते केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय तक ही इसको एफिलिएशन इनकी इनके साथ ही रहे। केंद्रीय विद्यालय कौन थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जॉब कर रहे हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र इधर उधर होती रहती है, फॉर एग्जांपल सोल्जर हैं तो उनकी फैमिली साथ में बच्चे हैं, वो अब इस स्कूल में है, मिड सेशन में वो ट्रांसफ़र हो गई है, तो ये केंद्रीय विद्यालय उनके लिए है कि वो जब भी वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए स्कूल तैयार है, उनके एडमिशन उसी वक्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे नवोदय वाला रूरल और टैलेंटेड बच्चों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक खोला गया था, तो इनको सीबीएसई के साथ जोड़ने के लिए कहा गया है। अच्छा, बाकी सारे स्कूल स्टेट बोर्ड से, ये रहा स्टेट बोर्ड के साथ जोड़ दिए जाएं, ये इनका सुजेशन था, ये माना नहीं गया। टेस्ट एंड इंटरव्यू, क्या होता है प्राइवेट स्कूल जो है टेस्ट लेते हैं कि बच्चे, हमने 30 सीटें हैं हमारे पास नर्सरी की, और हमने बच्चे की इंटरव्यू और पेरेंट्स की इंटरव्यू और टेस्ट लेना है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कर लेता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नोज है, ये क्या है, आँख है, बच्चे ने नहीं बताया तो उसकी रिजेक्शन, तो ये आरटी एक्ट ने भी मना कर दिया था, और इन्होंने भी यशपाल कमेटी ने भी कहा है कि ये इंटरव्यू ऐसी नहीं होगी रे, ये बिल्कुल एडमिशन के वक्त होनी ही नहीं चाहिए। नॉर्म्स गिवन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल को थोड़ा खींचना चाहिए, वो कहते हैं उनके नॉर्म्स जो है थोड़े सख्त किए जाएं, और कमर्शियलाइजेशन, पैसे के लिए जो काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, उन पर लगाम कसी जाए। देयर शुड नो कंपल्शन ऑफ फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू कैरी हैवी बुक्स एंड बुक्स टू स्कूल, ये बात हो चुकी है। अच्छा, ग्रेटर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न है जैसे ना, उसकी बात की है, टेलीविज़न है, रेडियो है, तो अब तो अब वाली सरकार तो कितने ऐप्स बन चुके हैं, तो ये यशपाल कमेटी की कंट्रीब्यूशन है, ये मेजर डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ पर ये बताया गया है, इंडिया में ये मेजर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके बेस पर देखिए 2000, अच्छा हिंदी में भी देखने हैं पॉइंट, देख लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, जो बात करने लगा हूं कि जो एनसीईआरटी ने 2004 में मीटिंग की, और ये जो 93 में यशपाल कमेटी बैठी उसके को अप्लाई करने का सोचा, और नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की सोची, तो 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंडिया का ऐसा बना जो कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्टिव टीचिंग लर्निंग, एंजॉयबल टीचिंग लर्निंग, उसमें ऐसी बातें की गई, प्रोजेक्ट मेथड, इनको इम्पोर्टेंस दी गई, तो ये मेजर डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जा सकता है। इवन जो अब भी वो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 बन रहा है उसमें काफ़ी बातें वही हैं जो यशपाल कमेटी ने कही हैं, एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ओके। अच्छा, टोटल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1975 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, 1988 में, 88 में, 2000 में, 2005 में, अब 2023 में, ये पांच करिकुलम फ्रेमवर्क इंडिया में एजुकेशन में बने हैं फॉर स्कूल, स्कूल एजुकेशन, ये याद रखना है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी ने जैसे नए करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन अलग से कहा है, एडल्ट एजुकेशन के लिए अलग से कहा है, तो चार तरह के उन्होंने करिकुलम फ्रेमवर्क सजेस्ट किए हैं नेशनल पॉलिसी ने।